प्यार शब्द, लव शब्द शायद आजकल के नौजवान समझते नहीं है। फिल्मों, टीवी सीरियल में आजकल लव स्टोरी प्यार के भले मायने प्रेमी प्रेमिका से जुड़े हों, लेकिन माँ बाप से ज्यादा कुदरत में इस धरा पर, धरती पर अपने बच्चों को चाहने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। आई लव यू शब्द में प्यार के मायने एक लड़के और एक लड़की को लेकर, एक बेटा और एक बेटी को लेकर सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है। आई लव यू के लिए अगर सबसे पहले कोई हकदार है तो वो सिर्फ माँ और बाप। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली दो राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। जब एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई, माँ बाप को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है तो बाकायदा उन्होंने एक गौनी पत्रिका छपवाई और अपनी जिंदा बेटी का गंगा जली पूजन यानी मृति भोज करवा दिया। बाकायदा गौनी पत्रिका छपवा कर जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार भी किया गया। यह खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से जुड़ी है, जहां सीता मऊ तहसील के दलवदा गाँव में 12 नवम्बर को एक परिवार की लड़की ने भाग कर एक लड़के से लव मैरिज कर ली। फिर जब लड़की के परिजनों और रिश्तेदारों को पता चला कि लड़की ने थाने में बयान दिए हैं कि वह अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, अपने परिजनों के साथ नहीं रहना चाहती है, तब परिजनों ने एक शोक पत्रिका जारी की, लड़की की फोटो लगवाई जिसे गौनी पत्रिका यानी शोक पत्रिका कहते हैं, और अपने शब्दों में कहें तो मृत्यु भोज यानी तेरवी का कार्यक्रम कहते हैं। लड़की की पूजा करवाई और जिंदा बेटी का क्रिया कर्म कर उसकी फोटो पर माला चढ़ाकर उसकी गंगा जली पूजन कर दी। वो क्या है कि हमने मतलब कि वो बिना बताए कहीं चली गई थी, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पता चला कि वो ऐसा वो उसने शादी कर ली। तो हमने फिर पुलिस लेकर आई उनको, तो उनको लेकर आई तो उसने बयान दिया तो उसने मना कर दिया, मैं किसी को नहीं जानती, ना मेरा कोई भाई है, ना मम्मी, ना मासा जी, ना मामा जी, कोई नहीं है मेरा। तो हमने यह कार्यक्रम रखा गोरनी का, तो आज हमारा गोरनी का कार्यक्रम निपट गया। कितने लोग हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और किस तरीके से कार्यक्रम? इसमें करीबन आए थे 200-300 जन। इस कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कार्यक्रम से ये संदेश बताना चाहता हूँ कि मतलब कि कोई भी बहन अपने भाई के साथ ऐसा ना करे, अपने परिवार का भी सोचे, एंड जो भी बहनें ऐसा करती है ना तो अपने भाई को शर्मिंदगी महसूस होती है, परिवारजनक को प्रॉब्लम होती है। आज मेरे पापा नहीं है तो उसका पूरा मतलब पूरा घर का मेंटेन संभालना पड़ता था, मैं अब पूरी जवाबदारी मेरी थी। जिंदा युवती का कार्यक्रम क्या घटना का हुआ? वो क्या है कि हमारी लड़की, मेरे सालू जी की लड़की है, तो वो क्या घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। जब बाद में हमें पता चला कि उसने उसकी मर्जी से शादी कर ली, तो हमने उसको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका गोड़नी का कार्यक्रम कर दिया। थाने में एफआईआर करवाई थी तो उसने थाने में आके बयान दिया, बयान में बताया गया कि मैं मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो परिवार से मेरा कोई वास्ता ही नहीं, इसलिए हमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी गोड़नी का कार्यक्रम रख दिया। यह वीडियो और यह खबर तेजी से वायरल हो रही है, बात भी सही है और बिल्कुल सही है। जिन माँ बाप ने बड़े जतन और अपने प्यार से बिटिया को पाला हो, पढ़ाया हो, बड़ा किया हो, उन्हें भूल गई और अब माँ बाप भी उन्हें भूल गए। इस जमाने में, इस कुदरत में लात खाकर भोजन देने की ताकत किसी में दी है तो वो माँ है। माँ अपनी बेटी और बेटा को किस तरह पालती है, भाग्य विधाता भी उसे प्रणाम करता है, और पिता वो है जो अपने बेटा बेटी की उंगली पकड़कर बाजार में अपनी जेब की अंतिम चुवन्नी भी उस पर निछावर कर देता है। यह भी ताकत परम पिता ने सिर्फ पिता में दी है। उस पिता और उस माँ को छोड़कर जो भी बच्चे जाते हैं, शायद उनके साथ यही होना चाहिए, यही
लोगों के संदेश आ रहे हैं ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वायरल वीडियो में लोग जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे वह शायद यही है। प्यार मोहब्बत सारी चीजें सब धरी की धरी रह जाती हैं, लेकिन माँ बाप से ऊपर न कल कोई था, न प्यार है, न मोहब्बत है, न कोई भी चीज है। कल भी माँ बाप प्यार और मोहब्बत की परिभाषा थे और आज भी अमूमन प्यार मोहब्बत की वो ही परिभाषा है। कीर्ति बर्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मंदसौर। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली दो राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।